प्रदेश की हरदोई पुलिस ने 2.5 वर्ष पूर्व बहन और बहनोई को मौत के घाट उतारने वाले 20,000 के इनामी आरोपित को काबू कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया है कि 2.5 साल पूर्व बहन और बहनोई को मौत के घाट उतारने वाले 20,000 के इनामी आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सफलता प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर सिंह की अगुवाई में पुलिस को मिली। ब्रजेश निवासी ग्राम हसनापुर मार्च 2018 में अपने बहन बहनोई की हत्या करने में वांछित चल रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, परंतु ब्रजेश फरार हो गया। ब्रजेश पर पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। अपराधों पर अंकुश लगाने और पुराने केसों को बखूबी खोलने के माहिर कोतवाल शिव शंकर सिंह ने इस इनामी आरोपित को धर दबोचा। यह इनामी आरोपित हसनापुर में अपना मकान बेचकर उन्नाव जनपद के बांगरमऊ कस्बे में रह रहा था। कोतवाल शिवशंकर सिंह और उनकी टीम बराबर इसकी निगरानी में थे। आरोपित को गिरफ्तार करने में शिव शंकर सिंह को सफलता मिली। आज इस 20,000 के इनामी आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साहबाबाद क्षेत्र में 2 मर्डर लगभग 2.5 साल पहले हुए थे पति पत्नी के। उसमें विवेचनोपरांत अब प्रकाश में आया कि उनका मर्डर उनके लड़की के पिता और उनके भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर के उन लोगों ने किया था। इसमें अन्य लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। मृतका के भाई फरार चल रहे थे, जिनके ऊपर 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें गिरफ्तार करके। क्या वजह रही थी घटना के पीछे? घटना के पीछे मोटिव जो पूछताछ में प्रकाश में आया है कि मृतका जो थी उनके पिता द्वारा गहनों के लालच में अपनी लड़कियों की शादी की जाती थी और इस तरह की घटनाएँ अंजाम में दी जाती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.